सबसे पहले यह है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैज अ रियल एग्जिस्टेंस। मीन्स अब हमें उस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना है जिसका सच में कोई वास्तविकता है, यानी विच इज हैविंग द रियल एग्जिस्टेंस। तो हमारे ऑप्शन है ए फाइलम, बी स्पीसीज, सी जीनस और डी किंगडम। तो इसका राइट आंसर है वो है बी स्पीसीज। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि कब सपोज कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो अगर वो एक जीनस का है लेकिन उसकी स्पीसीज जो है वो बहुत सारी हैं। ओके, तो वैसे ही क्या हुआ, जैसे मैंने अपने कुछ वीडियो में आपको बताया था, जैसे थ्री डोमेन सिस्टम में कि 16S राइबोसोमल आरएनए जो सीक्वेंसिंग है, अगर इसकी हेल्प से हम क्या सकते हैं, कोई भी जो अनरिलेटेड या बोल सकते हैं जो अनडिस्कवर्ड जो स्पीसीज है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्पीसीज है वो क्या है, इसका रियल एग्जिस्टेंस है। ओके, तो स्पीसीज इज द ओनली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैज अ रियल एग्जिस्टेंस। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो जो विटेकर ने फाइव किंगडम सिस्टम दिया था उसमें जो क्लासिफिकेशन था वो मेन बेसिस क्या था, तो उसका जो मेन बेसिस था वो तो क्या था, न्यूट्रिशन। ओके, तो उसका जो मेन बेसिस था वो था न्यूट्रिशन, यानी कि उसने क्या किया था, न्यूट्रिशन की बेस पे क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट किंगडम में प्लेस किया था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि मोनेरा में क्या थे, आर्की बैक्टीरिया थे जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोटॉपिक था, वही जो यू बैक्टीरिया थे या जो मॉडर्न बैक्टीरिया थे उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो क्या था, कुछ बैक्टीरिया क्या कहते थे, ऑटोटॉफिक थे। जैसे अगर बात की साइनोबैक्टीरिया मींस दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वहीं अगर हम कुछ बैक्टीरिया की बात करें तो वो हेटरोटॉफिक थे, मतलब कि वो क्या थे कि हेटरोटॉफिक मोड मींस दे आर पैरासाइट्स और मे बी वी कैन से दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर और वी कैन से दे यूज सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज अ सब्सट्रेट एंड देन दे मेड देयर फूड। ओके मींस ओके, तो दे यूज सम लाइक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड देन फ्रॉम दैट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज अ सब्सट्रेट देन दे प्रिपेयर देयर फूड। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की बेस पे इन्होंने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसे क्लासिफाई किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म इफ द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि आर्किया और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उन्हें किस किंगडम में प्लेस किया गया है, तो वो किंगडम क्या है, मोनेरा। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है मोनेरा। मोनेरा में क्या कहते हैं, जितने भी आर्की बैक्टीरिया और साथ ही साथ यू बैक्टीरिया उन्हें प्लेस किया गया था। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर है मोनेरा। तो मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया था। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवेन बाई, तो इसका राइट आंसर है एंगलर एंड प्रांटल, प्लांटल। ओके, तो एंगलर एंड प्लांटल ने क्या किया था, इन्होंने जो फाइल ने वो प्रपोज किया था। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच सीरीज एंड्स विद द कोहॉर्ट अम्ब्रेल्स इन बेंथम एंड उकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो हमारा राइट आंसर क्या है, वो है कैल्सिफ्लोरी। ओके, सो कैल्सिफ्लोरी जो वो सीरीज है जो कि एंड होती है कोहॉर्ट अम्ब्रेल्स इन बेंथम एंड उकल सिस्टम क्लासिफिकेशन में। ओके, तो द राइट आंसर इज कैल्सिफ्लोरी। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव कॉम्प्रेहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीनस और वन फैमिली एट अ पार्टिकुलर टाइम। तो ऑप्शन क्या है, टेक्सोनॉमिक की, फ्लोरा, हार्बेरियम एंड मोनोग्राफ। तो द राइट आंसर इज मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ क्या है, इट इज अ डिटेल्ड रिटन स्टडी ऑफ अ सिंगल जीनस और वी कैन से स्पेसीज और अब वी कैन से फैमिली एट अ पार्टिकुलर टाइम। तो द राइट आंसर इज मोनोग्राफ। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप इज कॉल्ड, यानी कि इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप की बेस पे जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लेडिस्टिक्स। ओके, तो क्लेडिस्टिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, तो द राइट आंसर इज क्लेडिस्टिक। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, ओके, जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो किसकी बेस पे होता है, तो ऑप्शन ए सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप्शन बी डेंड्रोग्राम विच इज बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स, सी इज द एंसेस्ट्रल लीनियज ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म
एंड द लास्ट वन इज ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। राइट आंसर इज डी, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स अब उन्होंने क्या किया, जैसे फिनोटिपिकली भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, उन्होंने क्या किया जो ऑर्गेनिज्म है उसे फिनोटिपिकली देखा, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी की वो कैसा है उसकी बेस पे क्या किया इन्होंने, जो क्या फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो दे दिया। ठीक है, यानी कि फिनोटिपिकली कैरेक्टरिस्टिक और वी कैन सी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्गेनिज्म इन एंजियोस्पर्म कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें जो कैरेक्टर ऑफ फ्लावर है ओके आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। बिकॉज क्यों हम लोग यूज करते हैं जो फ्लावर के कैरेक्टर को ही एज अ क्लासिफिकेशन, मतलब एज अ क्लासिफाई करने के लिए हम लोग फ्लावर के कैरेक्टर को ही यूज क्यों करते हैं एंजियोस्पर्म में। तो ऑप्शन ए क्या है, फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, फ्लावर्स आर लार्ज, कैरेक्टर ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्वेटिव, नन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज कैरेक्टर ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्वेटिव, मतलब जो भी फ्लावर का जो भी कैरेक्टर है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि अगर फ्लावर जो है वो क्लस्टर में है तो उसका इन्फ्लोरेसेंस जो होगा वो कॉमन रहेगा उस फैमिली में ओके। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग सपोज कोई भी ग्रैमिनी फैमिली का ले लें तो उसमें क्या होता है, या पोएसी फैमिली का ले लें ऐसे क्या, तो उसमें जो फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो सेम रहता है। जैसे अगर हम यूफोरबियासी फैमिली का ले लें तो उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइथियम होता है, तो वो जो उसका कैरेक्टर है वो कॉमन है ओके। तो इसी तरह क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं उनका कैरेक्टर जो होता है वो कंजर्वेटिव रहता है। ठीक है, यानी कि उनका इन्फ्लोरेसेंस भी सेम ही रहेगा उस फैमिली में, साथ ही साथ क्या होगा वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इसकी बेस पे क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में क्या है, जो फ्लावर है उसके कैरेक्टर की बेस पे क्या हुआ है कि जितने भी प्लांट है और एंजियोस्पर्म या ट्री है उन्हें क्या क्लासिफाई किया है। तो द राइट आंसर इज कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स आर कंजर्वेटिव। कमिंग टू नेक्स्ट, बायोसिस्टमैटिक्स एम सेट, ऑप्शन ए आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बी द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, सी डीलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, एंड द लास्ट वन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटैलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी। तो द राइट आंसर इज डी, यानी कि बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, इसमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे ओके कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनिटी ऑन अ टोटैलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडी। इसके साथ साथ क्या करते हैं हम लोग उसी फाइलोजेनेसिस से रिलेटेड जितने भी अदर पैरामीटर्स हैं उनकी बेस पर भी क्या करते हैं उसे क्लासीफाई करते हैं ओके। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, यानी प्रैक्टिकली हम टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, टू नो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बी एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सी फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज, डी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो द राइट आंसर इज सी, फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज ओके। यानी टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सपोज कोई भी प्लांट है, ठीक है, अगर आपने उसे पहली बार देखा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, यानी उसके वेरियस कैरेक्टर को देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन से जीनस का है या इसकी स्पीसीज क्या है। या अगर आपको वैसे कैरेक्टर उस प्लांट में नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, आपने अगर कोई न्यू कैरेक्टर आपने उसमें पता लगाया है तो इसका इससे क्या होता है कि आप उस न्यू स्पीसीज को खोज पा रहे हैं ओके। तो टैक्सोनॉमी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते अननोन स्पीसीज को ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे, यानी कि वो दो प्लांट उन्हें हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक ही स्पीसीज के हैं तो उनमें क्या हो। तो नंबर ए क्या है, मोर देन 90% ऑफ सिमिलर जीन्स, बी कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स, सी हैव सम नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड डी लुक सिमिलर एंड पजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो द राइट आंसर इज कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फॉर्म सीड्स। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि अगर सपोज कोई मेल है फीमेल है, ठीक है, जब वो फर्टिल रिप्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है उनका जो बेबी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कुछ कैरेक्टर मदर के भी शो करते हैं, कुछ कैरेक्टर फादर के भी शो करते हैं ओके। तो वो क्या होता है, यानी कि वो क्या है, वो सेम स्पीसीज का है
ओके मतलब उसके अंदर कुछ कैरेक्टर मदर के भी हैं, कुछ कैरेक्टर फादर के भी हैं, तो ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो प्लांट क्या हैं, वो कब दिखेंगे सेम, या हम कब कह सकते हैं कि वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस फ्रीली करें और सीड का फॉर्मेशन करें। ओके जब सीड्स बनेंगे उन दो प्लांट्स के, तो उन दो प्लांट्स के जो कैरेक्टर वो सीड में रहेंगे, ठीक है। तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो दो प्लांट हैं वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। ओके नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट, यानी कि जो बोटेनिकल गार्डन है जिन्हें आर्टिफिशली जो क्या किया जाता है बनाया जाता है, उनके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। तो जो पहला क्या है, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, बी दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, सी दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट्स, एंड डी दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया ऑफ रिक्रिएशन। अब जितनी भी प्लांट स्पीसीज हैं, अगर कुछ स्पीसीज क्या है वो एक्सटिंक्ट होने वाली होती हैं, तो उन स्पीसीज को क्या किया जाता है, बोटेनिकल गार्डन में प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट। मतलब कि वहां पे क्या होता है कि उस पार्टिकुलर स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, उसे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, उसके जर्म प्लाज्म को, यानी कि अगर कोई प्लांट है तो उसके सीड को हम लोग वहां पर प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि वो जो प्लांट है वो कभी एक्सटिंक्ट ना हो, और आने वाले टाइम में क्या हो, हम उस सीड को दोबारा ग्रो करें तो दोबारा वो प्लांट जो है वो आ जाए, ठीक है। तो जब मेन फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दे अलाउ एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिट इन द बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन। सो बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंट मैरिट क्या थी, नंबर ए द प्लेसमेंट ऑफ फैमिली एज ट्रेसी इन द बिगिनिंग ऑफ कैमोपेटली, बी द प्लेसमेंट ऑफ द आउटर रेनाल्स इन द बिगिनिंग, सी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आर प्लेस्ड अपार्ट, एंड डी द पोजिशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इन बिटवीन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट। तो द राइट आंसर इज द प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर रेनाल्स इन द बिगनिंग। तो इन्होंने क्या किया था, रेनाल्स जो ऑर्डर है उसे सबसे पहले ही बिगनिंग में ही प्लेस कर दिया था। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेरिट थी बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। सो नाउ कमिंग टू अवर लास्ट, द टर्म स्पीसीज वॉज कॉइंड बाई, यानी कि जो स्पीसीज है, ठीक है, अगर हम लोग हायरार्की देखें तो उसमें स्पीसीज क्या है, सबसे लो लास्ट नंबर पे आते हैं। ओके तो उसे सबसे पहले किसने क्वाइंड किया था, ओके तो द राइट आंसर इज जॉन रे। तो जॉन रे ने क्या किया था, जो स्पीसीज से वो टर्म क्वाइंड किया था। ओके तो स्टूडेंट्स ये थे टॉप 15 एमसीक्यूज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और वी कैन से लिविंग वर्ड टॉपिक से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा अनदर 15 एमसीक्यू पार्ट 2 के नाम से। तो कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।